सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ किया है कि सुशांत के मामले से जुड़ी कोई भी शिकायत सीबीआई को ही जाएगी। ये रिया की शिकायत या किसी भी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, ये शिकायत बेबुनियाद है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती द्वारा मुंबई पुलिस और बांद्रा पुलिस को दी गई शिकायत पर वकील विकास सिंह ने अपने बयान में कहा है कि इस शिकायत से ये साफ है कि मुंबई पुलिस को किसी भी तरह से इस मामले से जोड़े रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो केस को अपनी तरह से हैंडल करे और ये सुनिश्चित करे कि सुशांत के परिवार को न्याय ना मिले। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई पुलिस शिकायत दर्ज करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ अवमानना का मामला है, मुंबई पुलिस को शिकायत लेने का कोई हक नहीं है। विकास सिंह ने कहा, इतने दिनों बाद मुंबई पुलिस को प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना गलत है, ये मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। बांद्रा पुलिस को FIR दर्ज करने का हक नहीं है, अगर पुलिस ऐसा करती है तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। दरअसल सुशांत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने एक्टर की बहन प्रियंका सिंह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में ये कहा गया है कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत का फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने के पीछे है। रिया चक्रवर्ती की ये शिकायत सुशांत और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दूसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई है। दूसरे दिन की लगभग 7 से 8 घंटे की पूछताछ चली है। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच जारी है और इसी बीच रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप है कि वो ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। ये आरोप उनके फोन से रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट के आधार पर लगाए जा रहे हैं। इस केस में रिया के छोटे भाई शोविक चक्रवर्ती, राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को NCB पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस केस में एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख और सुशांत मामले में गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि एम्स का फॉरेंसिक बोर्ड सुशांत सिंह के मामले में विसरा की जांच कर रहा है ताकि उन्हें जहर देने की बात का पता लगाया जा सके। इसके परिणाम 10 दिन के भीतर आ जाएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत मिले थे। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।